ओम शांति। आज का गीत है तू प्यार का सागर है और तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो आज 25 अगस्त 2020 की बाप दादा की साकार मुरली में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे कभी थककर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं है, सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो और बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। आज का प्रश्न है कि 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है, है ना। परफेक्शनिस्ट बनने के लिए बाबा कहते हैं ऐसा कौन सा एफर्ट है जो जरूर जरूर डालना है। तो जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो, प्यार के सागर बाप को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान तो बहुत सहज है लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे और सब तरीके के खिटखिटें समाप्त हो जाएंगी। बाबा क्या कहते हैं कि अगर तुम लोगों को 16 कला संपूर्ण बनना है, जो कि हमारा एम ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। परफेक्शन मतलब लाइट हाउस। बाबा ने अव्यक्त मुरली में भी हम लोगों को रिमाइंड कराया था कि हम बच्चों का कर्तव्य है लाइट हाउस बनना, बाकी तो बाबा का कर्तव्य है। बाबा देख रहा है अपना काम, बाबा का ही सेंटर है। सेवा कोई हम बच्चों ने नहीं करनी, हमें तो बाबा ने सदा माया से युद्ध में बिजी रहने को कहा है ना। अपने कर्मों को भी या श्रेष्ठ कर्म जितने भी हम अपने जीवन में कर रहे हैं वो बाबा करेगा, इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीधी बात, हमारे को केवल रिफाइंड बुद्धि रखना है, फालतू इधर उधर के कचड़े में बेवजह की बातों में नहीं फंसना। तो आज देखिए, प्यार का सागर अपने बच्चों को भी ऐसा प्यार का सागर बनाते हैं। बच्चों की एम ऑब्जेक्ट ही है कि हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बने, तो इनको सब कितना प्यार करते हैं। बच्चे जानते हैं कि बाबा हमको इन जैसा मीठा बनाते हैं और मीठा यहाँ ही बनना है और बनेंगे याद से। भारत का योग गाया हुआ है तो ये याद है ना, और इस याद से ही तुम इन जैसे विश्व के मालिक बनते हो। यही बच्चों को मेहनत करनी है। देखिए मेहनत क्या है, याद की, याद रखना है कि बाबा सारे काम करेगा, बाबा ही है जो है, बाबा एक संसार कहते हैं ना। तो कोई भी एम्प्लॉयमेंट में हम हों, कोई भी प्रोफेशन में हों, इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने को कोई लेना देना ही नहीं है, हमारे को केवल याद और माया से दूर, बस दो काम। तो मीठा यही बनना है ना। बाबा कहते हैं यही बच्चों को मेहनत करनी है। तुम इस घमंड में मत जाओ कि हमको ज्ञान बहुत है, मूल बात तो याद की है। याद ही प्यार देती है। बहुत मीठे बहुत प्यारे बनना चाहते हो ना, ऊंच पद पाना चाहते हो तो मेहनत करो, नहीं तो बहुत पछताएंगे, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनसे याद में रहना पहुंचता नहीं है, फिर थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं। एक तो देही अभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करना है, नहीं तो बहुत कम पद पा लेंगे, इतना स्वीट कभी नहीं होंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खींचते हैं क्योंकि याद में रहते हैं। सिर्फ बाप की याद चाहिए, जितना याद करेंगे उतना बहुत स्वीट बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी अगले जन्म में बहुत याद किया है, याद से स्वीट बने हैं। तो सत्युग के सूर्यवंशी पहले नंबर में हैं और चंद्रवंशी सेकंड नंबर में हो गए, तो ये लक्ष्मी नारायण बहुत प्रिय लगते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के फीचर्स और राम सीता के फीचर्स में बहुत फर्क है। इन लक्ष्मी नारायण पर कभी कोई कलंक नहीं लगाया, कृष्ण पर भूल से कलंक लगा दिया, राम सीता पर भी लगाया है ना। तो बाप कहते हैं बहुत मीठा तब बनेंगे जब समझेंगे कि हम आत्मा हैं। आत्मा समझकर बाप को याद करने में बहुत मजा है। देखिए बाबा कह रहे हैं इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, तुम अपने आप को इस शरीर से न्यारा समझो पहले। A lot of interest is waiting for you. बहुत फन है, बाबा कह रहे हैं। जितना याद करेंगे उतना सतोप्रधान 16 कला संपूर्ण। 14 कला फिर भी डिफेक्टेड हुआ और फिर बाबा कहते हैं डिफेक्ट फिर होती जाती है धीरे धीरे, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे
द्वापर की तरफ नज़र डालेंगे तो और डिफेक्ट जो है वो बढ़ता ही चला जाएगा। सोलह कला परफेक्ट बनना है, ज्ञान तो बहुत सिंपल है, कोई भी सीख जाएंगे। 84 जन्म कल्प कल्प लेते आए हैं, अब वापस तो कोई जा नहीं सकता, है ना, जब तक पूरा पवित्र ना बने, नहीं तो सजाएं खानी पड़े। बाबा बार बार समझाते हैं कि जितना हो सके पहले पहले ये एक बात पक्की करो कि मैं आत्मा हूँ। हम आत्मा अपने घर में रहती हैं तो हम सतोप्रधान हैं, फिर यहाँ जन्म लेते हैं, है ना, कोई कितने जन्म लेते हैं। पिछाड़ी में तमोप्रधान बनते हैं, दुनिया की वो इज्जत तो कम होती जाती है ना, नया मकान होता है तो क्या होता है, उसमें कितनी आराम से रहते हैं, फिर डिफेक्टेड हो जाता है, कलाएं कम होती जाती हैं। और अगर तुम बच्चे चाहते हो कि परफेक्ट दुनिया में जाएं, तो फिर परफेक्ट बनना होगा। सिर्फ नॉलेज को परफेक्ट नहीं कहा जाता, आत्मा को परफेक्ट बनना है। जितना हो सके कोशिश करो कि मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य अपने को देहधारी समझकर खुश होते हैं कि हम फलाने का बच्चा हूँ, है ना, वो है अल्पकाल का नशा। जब तक होगा, है ना, उस पर्टिकुलर शरीर में, तब तक नशा है। एंड वंस द सोल लीव्स दैट पर्टिकुलर बॉडी एरिया, लौकिक ऑल द सेटअप दैट ही हैड इन द प्रीवियस बॉडी, उसके बाद वो अवेयरनेस ख़त्म हो जाएगी। तो अब तुम बच्चों को बाप के साथ पूरा बुद्धि योग लगाना है, इसमें मूंझना नहीं है। भल विलायत में कहाँ भी जाओ, सिर्फ एक बात पक्की रखो कि बाबा को याद करना है। बाबा प्यार का सागर है, ये महिमा कोई मनुष्य की नहीं है, आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। आत्माएं सब आपस में भाई भाई हैं, सभी का बाप एक ही है। बाप सबको कहते हैं कि बच्चे तुम सतोप्रधान थे, सो अब तुम तमोप्रधान बने हो, तमोप्रधान बनने से तुम दुखी बने हो, तो अब मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो, है ना। अब देखो, अब मुझ आत्मा को परमात्मा बाप कहते हैं कि तुम पहले परफेक्ट थे, सब आत्माएं वहाँ परफेक्ट ही हैं, भल पाठ अलग अलग है परंतु परफेक्ट तो है ना। प्योरिटी बगैर तो वहाँ कोई जा ही नहीं सकता, बाबा शांति धाम की बात कर रहे हैं। सुख धाम में तुमको सुख भी है तो शांति भी है, इसलिए तुम्हारा ऊंच ते ऊंच धर्म है, अथाह सुख रहता है। विचार करो कि हम क्या बनते हैं, स्वर्ग के मालिक, है ना, वो है हीरे जैसा जन्म, अभी तो कौड़ी जैसा जन्म है ना। तो अब बाप इशारा देते हैं याद में रहने का, तुम बुलाते ही हो ना कि हमको आकर पतित से पावन बनाओ, सत्युग में तो हैं संपूर्ण निर्विकारी, राम सीता को भी संपूर्ण नहीं कहा जाएगा, वो सेकंड ग्रेड में चले गए, याद की यात्रा में पास नहीं हुए। नॉलेज में भल कितना भी तीखे हो, है ना, कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेंगे, याद में रहेंगे तभी मीठे लगेंगे, है ना, अर्पण रहेंगे, समर्पण रहेंगे बाबा के प्रति, समझेंगे कि कार्य बाबा ने करना है, सेवा बाबा की है, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा की है, अपने को केवल स्वीट रहना है। तो बाबा कहते हैं कि तुम बुलाते ही हो कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, है ना, वो सेकंड ग्रेड में चले गए, कौन, राम और सीता, क्यों, क्योंकि संपूर्ण नहीं थे। बाबा कहते हैं पढ़ाई तो बिल्कुल कॉमन है, यहाँ तो पवित्र बनना है, याद में रहना है, ये अच्छी रीति नोट कर दो, है ना। बाबा कहते हैं कि कहाँ कहाँ खिटखिट होती है, अहंकार आ जाता है, वो कभी नहीं होगा याद की यात्रा में रहने से। तो मूल बात है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। दुनिया में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, जीवन ही जैसे जहर मिसल कर देते हैं, ये अक्षर सत्युग में नहीं होंगे, है ना, आगे चलकर यहाँ तो मनुष्यों के जीवन और ही जहर होती जाएगी, ये है ही विषय सागर, रौरव नरक में सब पड़े हुए हैं, यहाँ बहुत गंध है, दिन प्रतिदिन गंध वृद्धि को पाता रहता है, इनको कहा जाता है डर्टी वर्ल्ड, एक दो को दुख ही देते रहते हैं, क्यों, क्योंकि देह अभिमान का भूत है, काम का भूत है। बाप कहते हैं इन भूतों को भगाओ, ये भूत ही तुम्हारा मुँह काला करते हैं,
काम चिता पर बैठकर तुमको काला बना देते हैं, तब तो बाप कहते हैं ना कि फिर हम आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करें। तो अभी तुम क्या बनते हो? वहाँ तो हीरों के महल होते हैं, सब प्रकार के वैभव होते हैं, यहाँ तो सब मिलावट की चीज़ें हैं ना। किसी भी चीज़ में करप्शन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। गऊओं का खाना देखो, सबसे तंत यानी सार निकाल बाकी दे देते हैं, गाय को खाना भी ठीक से नहीं मिलता। कृष्ण की गायें देखो कैसी फर्स्ट क्लास दिखाते हैं, सत्युग में गायें ऐसी होती हैं कि बात मत पूछो, देखने से ही फरहत आ जाती है। यहाँ तो हर चीज़ से एसेंस ही निकाल देते हैं। ये बहुत छीछी दुनिया है, तुम्हें इसे दिल नहीं लगाना। बाप कहते हैं तुम कितने विकारी बन गए हो ना, लड़ाई में कैसे एक दो को मारते रहते हैं। एटमिक बॉम्ब्स बनाने वालों का भी मान देखो कितना है, जबकि इनसे सबका विनाश हो जाता है। बाप बैठ बताते हैं आज के मनुष्य क्या हैं और कल के क्या होंगे। अभी तुम हो बीच में, तो संग तारे और कुसंग बोरे, बिल्कुल बीच में है ना। लेफ्ट साइड कुसंग है, राइट साइड संग है, डिपेंड करता है किसका हाथ पकड़ते हैं। तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप का हाथ पकड़ते हो। कोई तैरना सीखते हैं तो सिखलाने वाले का हाथ पकड़ना होता है ना, नहीं तो घुटका आ जाए इसमें भी हाथ पकड़ना होता है, नहीं तो माया खींच लेती है। तुम इस सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो, तो अपने को नशे में लाना चाहिए कि हम श्रीमत से अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं। सभी मनुष्य मात्र तो दान करते ही हैं, फकीरों को देते हैं और तीर्थ यात्रा पर पंडों को दान देते हैं, चावल मुट्ठी भी दान जरूर करेंगे, तो वो सब भक्ति मार्ग में तो चला ही आता है। अभी बाबा हमको डबल दानी बनाते हैं। देखिए बाप कहते हैं तीन पैर पृथ्वी पर तुम ये ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय हॉस्पिटल खोलो, जिसमें मनुष्य 21 जन्मों के लिए आकर शफा पाएं। यहाँ तो कैसी कैसी बीमारियाँ होती है, बीमारी में कितनी बास आ जाती है, स्मेल आती है, बाबा कह रहे हैं। हॉस्पिटल में देखो तो नफरत आती है, कर्म भोग कितना है। इन सब दुखों से छूटने के लिए बाप कहते हैं सिर्फ याद करो और कोई तकलीफ तुमको नहीं देता हूँ। बाबा जानते हैं बच्चों ने बहुत तकलीफ देखा है, विकारी मनुष्यों की शक्ल ही बदल जाती है, एकदम जैसे मुर्दे बन जाते हैं। जैसे शराबी शराब बगैर रह नहीं सकते, शराब से बहुत नशा चढ़ता है परंतु अल्पकाल के लिए, इससे विकारी मनुष्यों की आयु भी छोटी होती है। निर्विकारी देवताओं की आयु एवरेज 125 to 150 ईयर्स होती है। एवर हेल्दी बनेंगे तो आयु भी तो बढ़ेगी ना, निरोगी काया हो जाती है। तो बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा गया, ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो बाप को जानते नहीं इसलिए ज्ञान अंधेरा कहा जाता है ना, भारतवासियों की ही बात है। क्राइस्ट को तो जानते हैं कि फलाने संवत में आया, तो उन्हों की सारी लिस्ट है कैसे नंबरवार पॉप गद्दी पर बैठते हैं। एक ही भारत है जो कोई की बायोग्राफी नहीं जानते। बुलाती भी हैं हे दुखहर्ता सुखकर्ता परमात्मा, हे मात पिता। अच्छा मात पिता की बायोग्राफी तो बताओ, कुछ भी नहीं पता। तुम जानते हो कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो पूरा पढ़ना चाहिए। लोक लाज कुल की मर्यादा में बहुत फंसे रहते हैं, इस बाबा ने तो कोई की परवाह ही नहीं की, कितनी गालियां दिखाई ना, न मन न चित, रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया। बाबा ने ब्राह्मण बनाया तो गाली खाने लगे, सारी पंचायत थी एक तरफ और दादा था दूसरी तरफ, सारी सिंधी पंचायत कहे कि ये क्या करते हो। अरे गीता में भगवानुवाच है ना कि काम महाशत्रु है, तो इन पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनोगे, ये तो गीता के अक्षर हैं। मुझसे भी कोई कहलाते हैं कि काम विकार को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी जीत पाई, इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है, तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आया हूँ। अब पवित्र बनो और बाप को याद करो। स्त्री कहे हम पावन बनेंगी, पति कहे मैं नहीं बनूंगा, एक हंस एक बगुला हो जाता है। बाप आकर ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनाते हैं, परंतु एक बनता है और दूसरा नहीं बनता है। पहले जो आए हैं उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, अभी कोई इतना साहस रखे बहुत मुश्किल है। हाँ गरीब रख सकते हैं, माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। माला तो बहुत बड़ी है, 108 की भी है ना। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, सच बतलाओ,
है ना, अच्छे अच्छे जो अपने को समझते हैं उनसे भी विकर्म हो जाते हैं। भल ज्ञानी तो आत्मा है, समझानी अच्छी है परंतु योग नहीं है तो दिल पर नहीं चढ़ते। याद में ही नहीं रहते तो दिल पर नहीं चढ़ते, याद से ही याद मिलेगी ना। शुरू में फट से वारी गए, अब वारी जाना मासी का घर नहीं है। मूल बात है याद, तभी तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा ने कहा पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा। जास्ती याद करने वालों को क्या पद मिलता है, बहुत पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा। जब विनाश होगा तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के हलवे खाएंगे। बाबा बार बार समझाते हैं याद को बढ़ाओ, किसको थोड़ा समझाया इसमें बाबा खुश नहीं होते। एक पंडित की भी कथा है ना, बोला राम राम कहने से सागर पार हो जाएगा। ये दिखाते हैं कि निश्चय में ही विजय है ना। तो बाप में संशय आने से विनशंती हो जाता है। बाबा कहते हैं बाप की याद से ही पाप करते हैं, रात दिन कोशिश करनी चाहिए, फिर कर्म इंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। इसमें बहुत मेहनत है, बहुत हैं जिनकी याद का चार्ट है ही नहीं, गोया फाउंडेशन है ही नहीं, है ना। जितना हो सके कैसे भी याद करना है, तब तो सतो प्रधान 16 कला बनेंगे। पवित्रता के साथ याद की यात्रा भी चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं आगे चलकर तुम्हारे चरणों में सब झुकेंगे, कहेंगे बरोबर ये माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। याद का जौहर अभी कम है, कोई भी देहधारी को याद नहीं करना, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पतित छीछी दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगाना, एक बाप का हाथ पकड़कर इससे पार जाना है। माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है, ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनना है और कोई भी विकर्म नहीं करना। वरदान है सर्व आकर्षण मुक्त भव, बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट सच्चे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगते हैं। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहाँ भी आकर्षण नहीं जा सकती। ये एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थी सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देती है और यही श्रेष्ठ मंजिल है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, है ना। और स्लोगन है नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। ओम शांति।